Myself Prakash Vatwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Welcome back to online classes. So right now, we are studying chapter number 3, Water, Water Everywhere, of class 6th, English Medium, subject English. In the previous video, we have discussed about Water Boy, part 1. Now, today, we will discuss about part 2. Water Boy part 2. Still, if you haven't watched the first part of this chapter, then go through my YouTube channel. The name of my YouTube channel is Prakash Vadhwana, so that you will understand this part in better way. And if you haven't watched, and without watching the video of part 1, if you are watching this video, then you will not understand this part. That is why I am asking you, that is why I am telling you, first you have to watch the part 1, after that watch this part. Okay, so let's start. The next morning Vijay got up and went to the bathroom. Dusre din kya hua? विजय जैसे ही उठा सीधा कहाँ पे गया, बाथरूम में गया. व्हेन यू ओपन द टैप देर वॉज नो वाटर. जैसे ही उसने नल स्टार्ट किया पानी ही नहीं था उसमें. ही लुक्ड अराउंड एंड फाउंड वाटर स्टोर्ड इन मैनी बकेट्स. बाथरूम में ही उसने अराउंड देखा कि बहुत सारी बकेट्स में पानी भरा हुआ था. ही वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हिज कजिन अबाउट इट. सरप्राइज हो गया वो और उसने अपने कजिन को पूछा कि नल में पानी नहीं आना है लेकिन बहुत सारी बकेट्स में पानी भरा हुआ है, ऐसा क्यों? Okay, his cousin Rajesh explained that there was no water anywhere. उसके कजिन राजेश ने बताया कि पानी नहीं है यहाँ पे, तो कहीं पर भी पानी नहीं है. Why? What was the reason? Because it had not rained for a couple of years and all the lakes had dried up. क्योंकि बहुत सारे years से यहाँ पे तो बारिश ही नहीं आई है, उसकी वजह से बहुत सारे lakes सूख गए हैं, dried up हो गए हैं. Now dried up means what? Gone without water. पानी के बिना वो सारे के सारे क्या हो गए, सूख गए. Okay, and they had to depend on some water that came from one tap and they had to keep awake to see that they did not miss it as it could come any day and any time. और उन लोगों को depend रहना पड़ता है. Now depend means what? Depend means to rely on, to take support of. एक ही नल में से पानी आता है और वो कभी भी, कोई भी टाइम फिक्स नहीं, कोई भी दिन कोई भी टाइम भी पानी आ सकता है. इसलिए क्या करना पड़ेगा, उनको अवेक रहना पड़ेगा, जगना पड़ेगा. कि रात, कई बार तो रात को भी पानी आता है देखने के लिए भी पानी आया कि नहीं. और अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे वो लोग और पानी वेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा. तो पानी कब आता है उसका ध्यान रखने के लिए कभी भी कहीं कोई भी टाइम पे उनको अवेक रहना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट. लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगेन. अब लास्ट नाइट लकीली अनफॉर्चुनेटली पानी आया था और वो भी बहुत सारे दिनों के बाद आया था. और अब वो कब आएगा वो भी क्या है, अनसर्टेन है. Till then they would have to only use the water they had collected in the night. तब तक उनको क्या करना है, लास्ट नाइट जो उन्होंने पानी कलेक्ट किया ना उसके ऊपर ही रहना है क्योंकि नेक्स्ट कब आएगा वो पता नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको पता चलता है कि लास्ट नाइट जो आवाज़ें हो रही थी ना वो किसकी थी, पानी आया था सडनली, अनफॉर्चुनेटली लकीली, तो सारे के सारे लोग वहाँ पे पानी भरने के लिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि एक ही नल है जहाँ से पानी आता है. ओके, Now Rajesh told Vijay to be careful and not to waste water. अब राजेश यहाँ पे विजय को बता रहा है कि तुझे क्या करना है, careful रहना है और पानी को waste नहीं करना है. Okay. Next, if the family ran out of water, they would have to buy water from someone else and it was very expensive. और अगर कोई भी family पानी से ran out हो जाती है, ran out means to be out of stock.
पानी अगर उनके घर पे ख़त्म हो जाता है ना, तो उनको क्या करना पड़ेगा, किसी और के पास से पानी खरीदना पड़ेगा, और वो भी कैसा, वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली, कॉस्टिंग लॉट ऑफ मनी, बहुत ही महंगा होगा। ओके, तो आप देखो स्टूडेंट्स, आपको भी समझना पड़ेगा कि पानी अगर नहीं होगा तो आपको फ्यूचर में उसको खरीदना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही महंगा। ओके, नाउ राजेश गेव विजय सम एग्जांपल्स ऑफ वेज टू यूज़ वाटर वाइजली। इसीलिए अब राजेश विजय को थोड़ी बहुत एग्जांपल बताता है, थोड़े बहुत रास्ते दिखा रहा है कि पानी का वाइजली कैसे यूज़ करना है। ओके, थ्री वेज दिए हुए हैं यहाँ पे, वन बाय वन हम उसको समझते हैं, ठीक है। ही गेव विजय अ ग्लास ऑफ वाटर एंड टोल हिम टू यूज़ इट फॉर ब्रशिंग हिज टीथ। विजय को वो एक ही ग्लास देता है भर के, और बोलता है कि एक ग्लास में तुझे ब्रश करना है, बस इतना ही पानी मिलेगा। और हम लोग तो स्टूडेंट्स कितना पानी वेस्ट करते हैं ब्रश करने में, यहाँ पे कितना है पानी दिया उसने, एक ही ग्लास, तो आप भी एक ही ग्लास यूज़ करो, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी फ्यूचर में। ही टोल्ड विजय, सेकेंड नंबर का है, ही टोल्ड विजय टू टेक अ बाथ विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बकेट। दूसरा कौन सा वेज है कि नहाने के लिए भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर का यूज़ करो, थोड़े ही पानी का यूज़ करो बकेट में, न कि ज़्यादा। और हम लोग चार पाँच छः डोल यूज़ कर लेते हैं, बकेट यूज़ करते हैं पानी के नहाने के लिए भी, ठीक है। तो आप लोगों को भी वाइजली यूज़ करना है, सेव करना है पानी को। ही टोल्ड विजय टू सेव द वाटर यूज फॉर वॉशिंग हिज क्लोथ्स सो इट कुड बी यूज अगेन लेटर। थर्ड वे वो बता रहा है, कपड़े धोने के लिए जो पानी यूज़ किया है ना उसको बचाओ, कपड़े धोने का पानी जो है उसको सेव करो, ताकि उसका यूज़ हम दूसरी जगह पे कर सके, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ क्या आपको समझा रहा हूँ कि कपड़े धोने के लिए जो पानी यूज़ किया है ना उसको अगर आप बचाते हो, तो उसका रीयूज़ अगर हमको करना है तो हम व्हीकल्स को वॉश करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर प्लांट्स को भी दे सकते हैं, वाटरिंग कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं, तो पानी का रीयूज़ भी हम कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं जो आप ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट, विजय वॉज सरप्राइज, ही हैड नेवर इमेजिन्ड दैट देर वुड बी अ प्लेस वेयर वाटर वॉज सो स्केर्स। ये सब देख के, ये सब सुन के विजय तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, सरप्राइज हो गया। क्यों? क्योंकि उसने आज तक ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि ऐसी भी जगह है, ऐसे भी प्लेसेस है जहाँ पे पानी की इतनी क्या है, स्केर्स है, शॉर्टेज है। स्केर्स मतलब नॉट ईजी टू फाइंड और गेट, कोई भी चीज़ वहाँ पे इजीली ना मिल सके। तो ये सारी चीज़ देख के वो सरप्राइज्ड हो, क्योंकि आज तक उसने ऐसा देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। हिज कज़िन लाफ्ड एट विजय एंड सेड, विजय यू यूज टू मच वाटर एवरी डे। उसका कज़िन उसके सामने हंस रहा है और उसको बोल रहा है कि विजय तू तो हर रोज़ कितना पानी वेस्ट करता है, हमने देखा था ना आगे पार्ट वन में, हमने देखा था तीन वे में वो पानी को वेस्ट कर रहा था। ओके, सून देर विल बी लेस रेन एंड यू मे हैव द सेम प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग नाउ, यू शुड लर्न टू सेव वाटर। आपकी भी हालत ऐसी हो सकती है, आपके वहाँ पे भी अगर बारिश कम हुई तो आप भी, अभी हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना वैसे की वैसे प्रॉब्लम्स आप भी फेस करोगी। सो तुझे लर्न करना है, तुझे सीखना है कि पानी को कैसे बचाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, वाटर इज़ सो इम्पोर्टेंट टू पीपल दैट इट हैज़ इंस्पायर्ड आर्ट सॉन्ग्स एंड पोएम्स। अब वाटर इतना इम्पोर्टेंट है ना सम पीपल के लिए कि वाटर ने उन लोगों को इंस्पायर किया है, किसके लिए, आर्ट सॉन्ग और पोएम्स के लिए। ना उस इंस्पायर मतलब क्या, टू मेक समवन वांट टू डू समथिंग। इंस्पायर मतलब किसी को किसी चीज़ को करने के लिए इंस्पायर करना। देखते हैं, हियर इज़ अ पोएम अबाउट वाटर बाय मैरी ऑलिवर। यहाँ पे एक पोएम है वाटर के बारे में जो किसने लिखी है, मैरी ऑलिवर ने। नाउ मैरी ऑलिवर इज़ अ वेल नोन अमेरिकन पोएट हु लव्स वाटर।
मैरी ओलिवर जो है ना, वो एक अमेरिकन पोएट है जिसको वाटर बहुत ही अच्छा लगता है, फेमस अमेरिकन पोएट है। सी लिव्स नियर द ओशन एंड राइट्स मैनी सिंपल बट ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट द नेचर अराउंड हर। ओशंस के नज़दीक रहती है और उसने बहुत सारी सिंपल पोएम लिखी है, बट कैसी, बहुत ही खूबसूरत पोएम। किसके बारे में स्टूडेंट्स? नेचर के बारे में, उसके अराउंड जितना भी नेचर है ना उसके बारे में उसने पोएम्स लिखी हुई है। और वो कहाँ पे रहती है? ओशंस पे, ताकि वो नेचर के बारे में अच्छे से लिख सके। दूसरा, वो किसके किसके बारे में लिखती है? सी राइट्स अबाउट शोर बर्ड्स। शोर बर्ड्स मतलब क्या है? बर्ड्स लिविंग ऑन द लैंड अलोंग द एज ऑफ द सी। शोर बर्ड्स मतलब ऐसे बर्ड्स जो समंदर के किनारे पे रहते हैं, जमीन पे। दूसरे, वाटर स्नेक्स, पानी में जो स्नेक रहते हैं ना उसके बारे में। थर्ड वन है हम्पबैक व्हेल्स। हम्पबैक मीन्स वन हु विच इज़ हैविंग अ बम्प ऑन हिज बैक, उसके बारे में भी उसने लिखा हुआ है। द पॉन्ड्स, तालाब के बारे में भी लिखा हुआ है। एंड द हार्बर्स, वेयर शी लाइक्स टू टेक लॉन्ग वॉक्स, और हार्बर के बारे में भी उसने लिखा हुआ है। नाउ हार्बर मतलब क्या? अ प्रोटेक्टेड एरिया नेक्स्ट टू द कोस्ट फॉर शेल्टरिंग शिप्स। एक प्रोटेक्टेड एरिया है किसके लिए? शिप के शेल्टरिंग के लिए, शिप को रखने के लिए। और वो कहाँ होता है? कोस्ट के नेक्स्ट, कोस्ट के बाद। जैसे कि बस है ना, बस बस के लिए क्या होता है? बस स्टैंड होता है ना, और रेलवे स्टेशन ट्रेन के लिए होता है। वैसे ही शिप के लिए क्या होता है? हार्बर। और हार्बर एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसको लॉन्ग वॉक के लिए जाना अच्छा लगता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, पार्ट टू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये पार्ट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट, एंड स्टिल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, देन गो थ्रू माय यूट्यूब चैनल एंड द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल इज प्रकाश वढवाना, एन इंग्लिश टीचर। ओके, सो हियर वी विल एंड दिस सेशन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 6 एट ब्लैक वाटर पॉन्ड, रिटन बाय मैरी ओलिवर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।